जस पंजाबी देख रहे हो सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल तुहाडा स्वागत प्रोग्राम हेल्थ प्लस विद डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसेज दे विच प्रोग्राम बिल्कुल लाइव तौर नाल पेश कर रहे हैं। तुसी जरूर कॉल करके अपने सारे फिजिकल थेरेपी रिलेटेड क्वेश्चन साडे नाल रख सकते हो। एंड अगर तुसी सिर्फ सुनना है कि आप की अज जानकारी वधिया तरीके नाल तुहाडे नाल शेयर करन जा रहे हैं, देन ऑफकोर्स प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग डॉक्टर नीलेश सोनी फ्रॉम डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसेज। डॉक्टर सोनी तुहाडा प्रोग्राम दे विच स्वागत सत श्री अकाल। डॉक्टर सोनी वंस अगैन तुसी साडे नाल जुड़े हो इस प्रोग्राम दे विच। आपां खास करके जिथे फिजिकल थैरेपी दे वक् वक् बेनीफिट्स रिकवरी लई वक् वक् इलनेसिस प्रॉब्लम्स लई तकलीफां लई लोकां नूं दसदे आ, रीहैब प्रोग्राम्स भावें ओह कोविड दा होए, बैक पेन, गर्दन दी पेन, मोढे गोडे, ऑल ऑफ द अबव। सो तुसी बड़े वधिया तरीके नाल सानूं इन्ने हफ्तियां तों दस रहे हो कि तुहाडी जो फैसिलिटी वक-वक लोकेशंस न्यूयॉर्क दे विच व्हिच वंस अगेन आर ओपन, तुसी अपॉइंटमेंट्स लै रहे हो, किस तरह उन लोकां दी कस्टमाइज्ड फिजिकल थेरेपी दे राहीं हेल्प करदे है इन योर क्लिनिक्स, खास करके जिथे तुहाडी जेरियाट्रिक फिजिकल थेरेपी ते फोकस रहिंदा है, उत्थे बैक पेन इन्नी प्रिवेलेंट क्यों हुंदी है? रीढ़ दी हड्डी, बैक दा दर्द, पिठ दा दर्द इन्ना क्यों सानूं वेखण नूं मिलदा है? सो अश्मिता, अगेन वी डिस्कस्ड लास्ट वीक, हमने बात किया था बैक की स्ट्रक्चर का, एंड देन वी वर आई थिंक टचिंग ऑन हाउ आवर लाइफस्टाइल चेंजेस इन द एज, वीकनेस इन द मसल्स, एज वेल एज मेंटेनिंग सिटिंग पोस्चर, ऑल ऑफ दिस टुगेदर अफेक्ट्स सॉर्ट ऑफ बैक पेन एंड इट इज मोर प्रेवलेंट. So I wanted to dive in and bring back that PowerPoint presentation where we left, so that darshakon ko jahan humne jo information di thi wo hum wapas la sake, and फिजिकल थेरेपी नू इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स लुक एट दोज स्लाइड्स नाउ। आई थिंक वी कैन सी देम ऑन द स्क्रीन। डॉक्टर सोनी तुसी पिछले हफ्ते सानू, हाँ जी, देयर वी गो। हाँ, तो जैसे बात कर रहे थे कि इट अफेक्ट्स 8 out of 10 पीपल, सो इट इज बैक पेन का दर्द बहुत ही कॉमन है, और बैक पेन इट रेंजेस फ्रॉम ए जस्ट ए सिंपल माइल्ड एक टू यू नो रेडिएटिंग पेन डाउन योर लेग्स, यानी कि आपको हल्का सा दर्द हो टू अप टू एक्सट्रीम इलेक्ट्रिकल पेन जिससे आप मूव नहीं कर सको। नेक्स्ट प्लीज। बैक का स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो आपकी स्क्रीन पर दिखता है वाइट ब्रिक सा, वो आपकी रीढ़ की हड्डी है, और उसके विच जो ग्रे सा जो स्ट्रक्चर है वो डिस्क है। डिस्क सोचिएगा कि डंकिन डोनट का जेली डोनट, उसका जॉब यही है कि आपकी हड्डियों से जितना प्रेशर आता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करें, और उसके इर्द गिर्द होते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स है जो रबर बैंड्स है, रबर बैंड की तरह वो हड्डियों को अपनी जगह रखते हैं, और मसल्स तो आप समझते हो, मसल्स बैक को सपोर्ट देते हैं एज वेल एज मूव करने के लिए पावर देते हैं, और उसके अलावा यू डू हैव मसल्स के एंड जिसको हम टेंडन्स बोलते हैं, जो जिससे वो मसल्स हड्डियों पर चिपकते हैं, और आपके ब्रेन से स्पाइन को मैसेज लाने के लिए तारे होती है जिसको नर्व्स बोलते हैं। नेक्स्ट। हाँ, तो लेट्स टॉक, वी लेफ्ट इट हियर, सो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन। तो जैसे सिंपल सी खींच पड़ जाती है बैक में, उसको स्ट्रेन बोलते हैं, और वो आप बैठे बैठे अचानक अपने स्पाइन ट्विस्ट किया या आप नीचे झुक कर कुछ लेने गए तो ऐसी खींच पड़ जाती है। कभी कभी आप घर में बच्चों को उठाते हो तो भी ये होता है। वो यूजुअली आपको रेस्ट और घरेलू उपचार से वो काबू में आ जाता है। स्प्रेन्स यानी कि मसल्स की जो फाइबर से उसमें टूटना, उसका टूटना, तो स्प्रेन्स
अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग सिवियरिटी के होते हैं, और दे नीड मेडिकल हेल्प। अगर आपको मसल स्प्रेन हुआ है तो खाली रेस्ट करने से काम नहीं बनेगा, यू नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम यू नो क्लिनिशियंस टू कंट्रोल द इन्फ्लामेशन एंड लिमिट द डैमेज जो आपकी स्पाइन के मसल्स को हो सकता है। मसल स्पैजम्स, तो मसल स्पैजम्स आर टाइटनिंग ऑफ मसल, जैसे आपका मसल ना मसल का जकड़ जाना। तो जकड़ जाना बहुत ही वजहों से होता है, जैसे कि आप एक लंबा ड्राइव किया 3-4 घंटे के लिए और आपने एक ही पोजीशन रखी, या आपने अचानक 20-30 किलो वजन उठा लिया और वारी वारी उठाया, या आपको चलते वक्त कोई रास्ते में खड्डा आ गया और आपको एक झटका लगा स्पाइन को। सो मैनी रीजंस टू हैव मसल स्पैजम्स। अगर मसल स्पाजम 2 या 3 दिन से ज्यादा रहेगा तो आप जरूर डॉक्टर का संपर्क करें, या हमारे जैसे क्लिनिशियन फिजिकल थेरेपिस्ट का संपर्क करें, सो इट कैन बी एड्रेस्ड। अगर मसल स्पाजम ज्यादा वक्त रहा तो इट कैन कॉज प्रेशर ऑन द स्पाइन। और अभी जो बाकी का जो नीचे लिखा हुआ है सब डिस्क का इश्यूज, वो दिस आर सिग्निफिकेंटली सीरियस इश्यूज, दिस आर इश्यूज विच यू रियली नीड मेडिकल हेल्प। जैसे रप्चर्ड या हर्नीएटेड डिस्क, तो डिस्क जो मैं बता रहा था जेली जैसा स्ट्रक्चर है आपकी स्पाइन के जो हड्डियों के बीच, और अगर वो टूट गया तो उसको और उसमें से जेल निकलकर बाहर आ गया तो उसको हर्नियेशन कहते हैं। ये ज्यादातर इंजरी से, बैक इंजरी से होता है, कभी कभार कोई इलनेस से होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस बिकॉज ऑफ injury or repetitive load on your spine. Degenerative disc sabko hota hai, degeneration jo spine ko use kare usko degeneration hoga. Degeneration in simple language wear and tear. Wear and tear kisko hoga, jo bhi koi cheez use karega usko wear and tear hoga. Waise hamari body ko hum use karte hai to spine mein wear and tear hota hai. To degenerative disc ki wajah se aapki movements kam ho sakti hai, aapki spine ki movements kam ho sakti hai और उससे दर्द हो सकता है। एंड वी ऑल नो स्ट्रेस, राइट? अगर आपको लाइफ में कोई भी रीजन से स्ट्रेस है, फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस है, तो आपके पेन की परसेप्शन इंक्रीज हो सकती है। सो लॉट ऑफ पीपल गेट स्ट्रेस रिलेटेड बैक पेन। नेक्स्ट प्लीज। वैसे तो बहुत सारे रीजन है बैक पेन होने के, बट जो जो रीजन हम काबू में कर सकते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। पहला है पुअर फिजिकल कंडीशन। तो मैं बता रहा था कि ज्यादातर लोग जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम 30 के ऊपर 40 के होते, 40 से 50, 50 से 60, हर 10 साल हमारी मसल स्ट्रेंथ 10% कम होती है। तो सोचिएगा, अगर आपने वही जिंदगी रखी, आप सुबह उठे, 1 माइल चले, आपने खाना खाया और वापस आकर थोड़ा मूवमेंट किया घर में और सो गए, और जो आपकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ एजिंग एंड बिकॉज ऑफ हैबिचुअल एक्टिविटी आपकी स्ट्रेंथ कम होगी। और अगर आपने कोई कॉन्क्रीट एफर्ट नहीं किया तो आपकी कंडीशनिंग, जैसे आपकी फिजिकल कंडीशन हौले हौले पोअर होती जाएगी। दूसरा है एक्स्ट्रा वेट। वेट इश्यू आई एम श्योर हमारे सब व्यूअर्स उससे परिचित है। तो वेट जैसे बढ़ता है तो हम बोलते हैं कि आपका वेट कहाँ दिखता है, तो मिडल ऑफ योर बॉडी, राइट? पेट के सराउंडिंग स्ट्रक्चर में, जैसे कि ट्रंक बोलते हैं हम, कमर बोलते हैं, तो कमर पर जोर ज्यादा पड़ेगा अगर कमर पर वेट ज्यादा है। तीसरा है पुअर पॉस्चर। देखिए, हमारे बहुत सी एक्टिविटी बैठने में ही होती है, बैठकर ही हम करते हैं, जैसे कि सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर गाड़ी चलाई, या मीटिंग में बैठे, या काम किया, या फिर शाम को आकर फिर से फैमिली से बात की, सब ये सब जो एक्टिविटीज है हम बैठ कर करते हैं। और अगर बैठने वाला जो पॉस्चर है अगर वो सही नहीं रहा तो उससे भी स्पाइन पर लोड पड़ता है। और लास्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया। अभी ये चारों फैक्टर हम क्यों बात कर रहे हैं, कि ये चारों चार फैक्टर्स आप अपनी समझ से आप उसको एड्रेस कर सकते हो और उसको बेहतर कर सकते हो, जिससे आपकी स्पाइन की हेल्थ बनी रहे। नेक्स्ट।
कौन सी वजह से हमको यूजुअली बैक में इंजरी सकती है? एक तो वजन उचकना, अगर वजन चक रहे हो आप तो ये समझिए कि अपनी कैपेसिटी पहले समझ लो। हम लोग जैसे व्हेन आई वाज इन माय 20s तो वो सोचते नहीं थे कि सामने वजन क्या है, चैलेंज ये है कि हम करेंगे या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो एक लिमिट तक वो सही है, लेकिन मोस्टली अगर आपकी कैपेसिटी का आपको अंदाज हो तो आपकी बैक की सेफ्टी ज्यादा रहेगी। अगर मेरी बैक की कैपेसिटी नहीं है और मैंने वजन उठा लिया तो उसकी लोड की वजह से भी मुझे बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग इंजरी हो सकती है। दूसरा लिफ्टिंग टेक्निक, कैसे हम कोई चीज उठाते हैं, और तीसरा कोई भी एक पोजिशन लंबे समय तक रखने की, ये तीनों तीन फैक्टर जैसे कि ज्यादा वजन, दूसरा उसको वजन उठाने का टेक्निक, और तीसरा एक ही पोजीशन में ज्यादा तक रुकना, ये तीनों चीज से आपको बैक इंजरी हो सकती है। तो सिंपल बात है ये, आप अगर आप ये सोचकर आप अगर काम करें तो आप आपकी बैक की सेफ्टी आप रख सकते हो। नेक्स्ट, सो आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? देखिएगा, अगर आपको जैसे बैक पेन हो रहा है लेकिन वो करंट की तरह आपके पैर में उतर रहा है, आप कोई भी जैसे दर्द हो रहा है जिससे आप अपना पैर नी को बैंड कर आपकी नाक की तरफ नहीं ला सकते हो सोते वक्त, या आप गिरने के बाद दर्द हो, या आप ऐसा दर्द है जो दो तीन हफ्तों से घर की मेजर से ठीक नहीं हो रहा है, तो दिस आर द वार्निंग साइंस टू गो टू ए स्पाइन स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट, तो ये और थोड़े और वजह है जिससे आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, जैसे कि इवन आप जब आराम कर रहे हो पूरे रात का, सोने के बाद भी जब उठो तो बैक पेन चालू रहता है, तो यू डोंट वेट, यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। या आपको बाथरूम में प्रॉब्लम हो, या पैर में जैसे झुनझुनी हो, या करंट की तरह आपको दर्द उतर रहा हो, सो दोस आर वेरी सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ ए बिग इश्यू इन योर बैक और इन योर स्पाइन, सो यू डोंट वेट फॉर फॉर एनी अदर फर्दर साइंस, बट रश टू ए स्पाइन स्पेशलिस्ट। दूसरा कि जैसे आपको जो हल्का सा बैक पेन हो, जो आप घर की उपचारों से आप उसको एड्रेस करते हो, वो 6 से 7 दिन मीन एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको अगर सही नहीं हो गया हो, तो इवन हल्का भी दर्द हो, हल्का डिस्कम्फर्ट भी हो, तो भी आप डॉक्टर के पास जाइएगा। क्योंकि क्या है कि अगर आप ज्यादा रुके घर पर तो और हेल्प नहीं ली राइट टाइम पर, तो आपकी जो प्रॉब्लम छोटी थी वो इट विल नीड मोर सॉर्ट ऑफ एग्रेसिव मेजर्स, मेडिकल मेजर्स लेटर ऑन। तो हेल्प अवेलेबल है, आप आपके बैक के बारे में जानिएगा और बन सके तो आप तुरंत मदद लीजिएगा। नेक्स्ट, सो लेट्स रिमेंबर दिस वन, लेग्स लिफ्ट बैक ब्रेक। सो मीन्स व्हेन यू आर लिफ्टिंग, जब भी आप वजन चुका हो, आप कोई भी वजन उठाने वाले हो, तो बन सके तो कमर को बन सके इतना सीधा रखकर गोड्डे से और हिप से बैंड कर वो वजन उठाइएगा। और दूसरा, अगर कोई बहुत ही भारी चीज हो तो उसको खींचने के बजाय धक्का लगाने की कोशिश करिएगा। सो इट रादर पुशिंग ए हैवी ऑब्जेक्ट दैट इज बेटर देन पुलिंग इट। पुलिंग इट मीन्स हमारी स्पाइन ट्विस्ट कर हमारा हाथ से कोई भी चीज हमारे पीछे खींच कर लाते हैं, वो आपकी स्पाइन के लिए सही नहीं है। और अगर आप बैठकर कोई जॉब कर रहे हो, जैसे ऑफिस वर्क हो या कंप्यूटर वर्क हो, तो रिमेंबर टू चेंज योर पोजीशन एवरी 30 to 45 minutes। यू कैन चेंज बाय जस्ट स्टैंडिंग एट योर डेस्क, इन फ्रंट ऑफ द डेस्क, ऑफ कोर्स नॉट ऑन टॉप ऑफ द डेस्क, और इफ यू आर ड्राइविंग, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट स्टैंड व्हाइल ड्राइविंग, बट टेक ब्रेक्स so that you can come out of that car seat and stand up. So what is your best posture? So we say next posture. And I have discussed that before, ki ban sake to aapki position change karte rahega, jisse aapki spine pull cumulative stress kam pade. Next.
देखो ये ऐसे एक उदाहरण है, जैसे आप कोई भी वजन उठाते हो तो आप बन सके उसका वो जितनी नजदीक से हो सके उतनी नजदीक से उठाइएगा। दूसरा, आपकी जो स्पाइन अगर इस पिक्चर में जैसे दिखती है, हमने नीज बेंड की हुई है लेकिन हमारी बैक रिलेटिवली स्ट्रेट है, और जो वजन है उससे कपड़े गंदे हो तो चलेगा लेकिन उसको बन सके उतना हमारे बॉडी से करीब उठाएगा। और दूसरा, कोई भी चीज जैसे भी आप उठाते हो तो उसको ग्रिप करने के, उसको पकड़ने के लिए यू हैव टू हैव अ सिक्योर ग्रिप ऑन दैट ऑब्जेक्ट, एंड दैट कैन कम विद टू थ्री थिंग्स। वो फ्रिक्शन ग्लव्स आते हैं, वो पहनिएगा। दूसरा, जो अगर भारी चीजें तो उसके उसको बॉक्स, हैंडल्स वाले बॉक्स आते हैं उसे उठाएगा, या फिर यू हैव इक्विपमेंट टू लिफ्ट दोस हैवी ऑब्जेक्ट्स। एंड लास्ट थिंग, यू फेस द वेट, मीन्स आपकी जो आपकी फेस है, आपका पैर है और आपका सर है, दोनों वो जो वजन उठा रहे हो उसको फेस करो, उसकी वजह से आपकी स्पाइन बन सके उतनी कम ट्विस्ट होगी। तो लेस ट्विस्ट टू द स्पाइन द बेटर चांसेस ऑफ यू अवॉइडिंग एनी इंजरी टू द स्पाइन। अश्मिता, आई गैस वी कैन टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चन। लेट्स या डॉक्टर सोनी यू नो तुसी इन्नी वधिया वंस अगेन डिटेल्स शेयर कर रहे हो लोकां नाल। आई थिंक सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इत्थे तुसी ए मेंशन कीता है कि जदों तुसी कुछ भार चुकदे हो अपनी राइट कमर दे नाल ना उन्हों चुको, अपने लत्तां नाल प्रॉपरली बेंड हो के वधिया तरीके नाल, मतलब पोस्चर ते ध्यान रख के उस चीज़ नू, उस वजन नू चुको ताकि तुहाडी पिठ ते उहदा स्ट्रेन ना पए। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खास करके अगर अपने कोई बुजुर्ग कुछ भारी चीज़ चकदे है उन्हां नू पता होना चाहिए है कि अगर तुसी अवॉइड कर सकते हो जरूर अवॉइड करो, नहीं तो फिर उन्हों प्रॉपरली इदा नहीं कि तुसी बिल्कुल अपनी पिठ ते उहदा स्ट्रेन पा रहे हो। डॉक्टर सोनी, यू नो ये जो तुसी इन्फॉर्मेशन ये स्लाइड्स राही साइड नाल शेयर कर रहे हो, ये साडे लोगों नू जरूर जानकार कराने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बट अल्टीमेटली यू नो हर एक बंदे दी इंडिविजुअल आप कह सकते हैं हेल्थ कंडीशन होर उन्हां दी जो जो वक्री चीज़ां इन्वॉल्व होंदियां वो एक एक्सपर्ट, एक डॉक्टर, एक फिजिशियन ही उन्हां नू वेख के दस सकदा है कि उन्हां लई की बेस्ट थैरेपी या सोल्यूशन हैगा। तो जिथे तुहाडी क्लिनिक्स की गल आती है, डायनामिक फिजिकल थैरेपी सर्विसिज, तुहाडे क्लिनिक्स वक् वक् एरियाज न्यूयॉर्क दे विच हैगे, तो तुहाडा स्टाफ इन सारी चीज़ों विच काफ़ी वैल ट्रेनड, काफ़ी पुराने समय तो तुहाडे नाल जुड़े हुए है। डॉक्टर सोनी, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सम ऑफ दी यू नो पेशेंट टेस्टिमोनियल्स दैट यू नॉर्मली हैव। आप हमेशा शेयर करते हैं लोगों ताकि उन्होंने कंफर्टेबल फील होए, वो भी जाके ट्रीटमेंट भावें पंजाबी हिंदी किसी भी अपनी लैंग्वेज में लेना चाहते हैं लै सकते हैं। सो आई वॉन्ट टू गो टू अ पेशेंट टेस्टिमोनियल, बट मैं जरूर लोगों को यह दसना चाहती हूँ इफ यू आर इंटरस्टिड इन ये जो जानकारी डॉक्टर सोनी शेयर कर रहे हैं, तुम इस तरह साढ़े नाल हर हफ्ते जुड़ सकते हो ये इन्फॉर्मेशन नाल एक्सरसाइजिज कि तुसी अपने घर बह के ही एक्सरसाइजिज कर सकते हो अपने शरीर नू तंदुरुस्त रखने लिए, वो भी तुहाडे नाल सांझी करांगे। डॉक्टर सोनी, आई थिंक लेट्स लुक एट वन ऑफ द टेस्टिमोनियल्स, ये तुसी बड़ी रिसेंटली कैप्चर की थी, व्हाट इज दिस फ्रॉम टुडे यू सेड? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हमारी बात होने से 1 घंटे पहले ही हमारे एक पेशेंट ने ये शी वाज एबल टू गिव अस दिस टेस्टिमोनी, और उनको सही में बहुत सारी यू नो बेनिफिट हुई है फॉर हर स्पाइन पेन। सो ऑलराइट, लेट्स लुक एट द टेस्टिमोनियल। सत श्री अकाल जी, मैं डायनामिक फिजिकल थेरेपी ते आई सी बैक पेन लेके, ते काफी मेनू प्रॉब्लम सी बैक पेन दी, ते इत्थे मेनू आके काफी मतलब रिलीफ मिलिया, काफी पेन मतलब ठीक हुई, मेरी लत च भी दर्द जांदी सी वो भी ठीक हुई आ, ते मैं कोई कम नहीं कर सकती सी, कम ते भी नहीं जा सकती सी, मैं चुप ही छुट्टियां कीतियां सी, ते घर दा भी कम नहीं मेरे तो होंदा सी, मैनू इत्थे आके मैं तकरीबन ठीक ही हो गई हां पूरी तरह, ते मैं अपनी फैमिली नू, अपने फ्रेंड्स नू, सब नू रेकमेंड करदी हां कि तुसी इत्थे आओ, ते थानू भी तुसी भी ठीक होके जाओगे इत्थे, ते सारे पूरी स्टाफ ही बहुत अच्छा है, ते थानू कोई इत्थे आके कोई वो नहीं लगेगा कि मैं ठीक नहीं होवांगी, थानू जरूर तुसी ठीक होवोगे।
ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਲਿਟਰਲੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਮਸਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਾਂਜੀ, so I have to just share this with the viewers ki hamare staff we've been treating spine since 30 years aur hamare staff mein khali just simple physical therapy degree nahi hai, jis logon ne spine ka specialization kiya hai aur khas karke manual therapy ka specialization kiya hai wo hamare staff hai aur isiliye hamare jo spine treatment ke results hai they are very excellent and we are proud of treating spine with such success rates. Wonderful. And main badi fir dasna chahangi tuhade clinics New York de Long Island Queens area de vich vak vak thaan te available han, tuhadi information screen te likhi hoye, koi tuhade naal directly sampark karna chahunda hai paave oh consultation layi hoye virtually oh tuhade naal gal kar sakde ya tuhadi clinic cha ke appointment bana ke tuhadi services da fayda le sakde ho, tusi insurance accept karde ho. Dr. Soni, thank you so much for joining us. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਵ ਸਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ, ਯੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, थैंक यू डॉक्टर सोनी, थैंक यू। मैं बाकी व्यूअर्स नूं दसना चाहुंदी हाँ साढ़े लिए कोई इस हैल्थ रिलेटिड टॉपिक नूं लैके, इस शो नूं लैके या डॉक्टर सोनी दी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नूं लैके कोई क्वेश्चन भी सानूं लिख सकते हो info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। हुण मैनूं दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।